हाय फ्रेंड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी सोलर बैटरी है 40 AH की। और क्योंकि बैटरीज कोई सी भी हो, अगर आप लोग उसके टर्मिनल्स को साफ नहीं रख रहे हैं, उसके टर्मिनल्स पर गंदगी है, तो वो बैटरी की लाइफ खराब होती चली जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बैटरी खराब होती चली जाएगी। इसीलिए मैं अपनी बैटरी को साफ करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। देख लीजिए पहले कितनी गंदगी मेरी बैटरी पर थी, अभी आप देखिए बिल्कुल फ्रेश टर्मिनल कर दिया है मैंने, बिल्कुल साफ टर्मिनल है। नए नट बोल्ट्स लगा दिए हैं और वायर को भी नए से टेप करके कोट करके कनेक्शन आउट करा है। ठीक पॉजिटिव पे भी, ठीक नेगेटिव पे देखिए, बिल्कुल सफाई से दूसरा काम इसको फ्रेश कर दिया, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स ही सब कुछ है। ठीक है, बैटरी में पानी बैलेंस है, मेंटेन है। तो दूसरी चीज उसके बाद में आता है टर्मिनल्स, वो दोनों साफ है, मेंटेन है, तो बैटरी की आपकी लाइफ बरकरार ही रहने वाली है। ठीक है, साथ में क्या होता है, टर्मिनल्स गंदे होते हैं तो कहीं ना कहीं पावर में डिस्टरबेंस होता है, सही से एम्पियर वोल्टेज नहीं जा पाती। मगर टर्मिनल साफ है, वायर बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट है इनकी टर्मिनल से, तो प्रॉपर वोल्टेज एम्पियर जा पाएंगे, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक, इसलिए मैंने साफ कर दिए हैं इसके टर्मिनल्स। ठीक, और साफ सफाई बैटरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैंने इस तरीके से साफ कर दिया। बाकी हमारे कनेक्शन एज यूजल नॉर्मल सौ चार्ज कंट्रोलर है इस तरीके से। और ये मैंने आपको बताया कि बैटरी के टर्मिनल साफ हैं तो बैटरी की लाइफ बरकरार रहती है, और बैटरी के टर्मिनल्स को आपको साफ करना ही चाहिए। ठीक है, उस पर जो गंदगी जम जाती है, जो सल्फेट जम जाते हैं, उसे हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार सल्फेट जमने की वजह से कनेक्शन लूज होता है और आपका इन्वर्टर जल्दी बैटरी लो का इंडिकेशन देता है। आपका इन्वर्टर बार बार ऐसे शो करेगा कि बैटरी लो, बैटरी लो। ठीक है, बैटरी लो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एम्पियर आउट नहीं हो पाते बैटरी से उस अमाउंट में जितने में होने चाहिए, क्योंकि टर्मिनल्स हमारे गंदे थे। इसलिए टर्मिनल्स को साफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरीज में। ठीक है, थैंक यू।